सब्सक्राइब करिएगा थॉट्स बिकम सक्सेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही जो बेल बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। दोस्तों आप सभी का मैं हमारे थॉट्स बिकम सक्सेस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है पेडागोजी से मुताल्लुक है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाकी 8 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट 1 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर एग्ज़ाम के लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व क्वेश्चंस चाहते हैं या कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा और पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ। आफ्टर सीटेट आपको इस चैनल पर जो है टेट से रिलेटेड, टेटकम टीआरटी से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, तो ज़रूर से चैनल के साथ बने रहेगा, स्टे ट्यून। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल रहा दोस्तों, वसी मुताला का मतलब है, मुताला के माने होते हैं स्टडी के, पढ़ने के, और वसी के माने होते हैं, और वसी के माने आकर कुशादा के होते हैं। तो इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वसी मुताले के क्या माने हैं। इसमें ऑप्शंस रहे, ऑप्शन 1 गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना, गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानों का अंदाज़ा करना। ऑप्शन 2 मौजू को समझने और लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए पढ़ना। ऑप्शन 3 मरकज़ी ख़याल को समझना, यानी जो पढ़ रहे हैं उसका मरकज़ी ख्याल को। या फिर ऑप्शन 4 मतन के मवाद के बारे में पेशन गोई करना, पेशन गोई करने के माने आकर यानी किसी बात को जो है पहले से ही खबर कर देना, किसी भी बात की जो है पहले से खबर करने को कहते हैं। गैर मारूफ के माने रहे जिसको हम आम तौर पर ना जानते हों उसको कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आकर ऑप्शन 2 है, वसी मुताले का मतलब होता है मौजू को समझने और लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए पढ़ना। लुत्फ़ानंदोज़ यानी आप जो भी मौजू को पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे तो उसमें जो है आपको एक तरीके की खुशी मिलेगी, वो जो मौजू आप पढ़ रहे हैं उसमें एक आपको एक तरीके का मज़ा मिलेगा, तो उसको कहते हैं लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए पढ़ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही रहा। दूसरा सवाल रहा, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है। सुनने की महारतों यानी स्किल्स की जांच के लिए टीचर ने जो है एक एक्टिविटी बनाई है, उसकी जांच किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर हो सकती है। ऑप्शन 1 रहा, तलबा के ज़रिए तस्वीर की सूरतगिरी। ऑप्शन 2 एक छोटी फिल्म दिखाकर उस पर तबसरा करना, तबसरा के माने आते हैं तनखीद करना, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं रिव्यू के, उस तरीके के आते हैं माने, और तबसरा के जमा आकर तबसरों हैं। या फिर ऑप्शन 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदुल साजी मुकम्मल करना, यानी ऑडियो रिकॉर्ड सुनकर एक जदुल जो है मुकम्मल करना। या फिर ऑप्शन 4 बुलंद आवाज़ से मतन पढ़वाकर जांच करना, इसमें सही ऑप्शन आकर ऑप्शन 3 रहा, जो कि की बुनियाद पर एक जदुल मुकम्मल करवा रहे हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में जो है कुछ अलग ही दिया है, लाइक बुलंद आवाज़ से पढ़वाकर जांच नहीं करते, तस्वीर की ज़रूरत ही नहीं है। और जो ऑप्शन 2 में बोला गया है कि एक छोटी फिल्म दिखाकर उस पर तबसरा करना, उससे भी सही ऑप्शन आकर ऑप्शन 3 रहा। तीसरा सवाल रहा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है। इसमें ऑप्शंस 1 रहा, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। या फिर ऑप्शन 2 तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। या फिर ऑप्शन 3 ऊपर के दोनों, ये और 2 सही है। या फिर ऑप्शन 4 सिर्फ 2। दोस्तों इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है मल्टीपल फॉर्मेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक बच्चों को फील्ड वर्क देकर, या फिर इंडिविजुअल से, या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन 3 रहा। अगला सवाल रहा, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना,
का मतलब है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का क्या मतलब है। ऑप्शंस रहे अपनी तारीफ खुद करना ऑप्शन वन, या फिर ऑप्शन टू अपने मुंह से मिट्टू की तारीफ करना, या फिर ऑप्शन थ्री ज़्यादा तारीफ करना, या फिर ऑप्शन फोर सबके साथ एक सा सुलूक करना। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने का मतलब आकर ऑप्शन वन सही रहा इसका, अपनी तारीफ खुद करना। खुद की तारीफ करने को इस तरीके से इस्तेमाल बोलते हैं, इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन वन रहा। अगला सवाल रहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये शेर किसका है? तो इसमें ऑप्शंस रहे ऑप्शन वन रहा गालिब, ऑप्शन टू रहा सौदा, या फिर ऑप्शन थ्री रहा मिर्तकी मीर, या फिर ऑप्शन फोर रहा ज़ौख़। तो इसमें इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन थ्री रहा, मिर्तकी मीर का शेर है ये, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा न जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, मिर्तकी मीर का है ये, ऑप्शन थ्री सही रहा। अगला सवाल रहा, पढ़ाने से खबल बहस व मुबाहिसा के दौरान कोई पढ़ाने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। पढ़ाने से खबल यानी पहले बहस व मुबाहिसे को डिस्कशन कहते हैं, पढ़ाने से पहले बहस व मुबाहिसे के दौरान कोई पढ़ाने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन वन जजीटो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच रिसर्च मेथड, या फिर ग्रामर तर्जुमा मेथड, या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसमें जो है पहले पढ़ाने और लिखाने से पहले लिसनिंग और स्पीकिंग करवाया जाता है, पढ़ाने का मवाद ना इस्तेमाल करते हुए बहस व मुबाहिसा किया जाता है, ऑप्शन फोर सही रहा। अगला सवाल रहा दोस्तों, ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाएं कहलाते हैं। यानी ऐसा हुरूफ जो है लफ्ज़ के शुरू में जुड़ जाते हैं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस रहे ऑप्शन वन रहा लाइक़े, ऑप्शन टू साबिक़े, ऑप्शन थ्री रहा हुर्फ, ऑप्शन फोर रहा हुर्फे चार। इसमें सही ऑप्शन आकर ऑप्शन टू है साबिक़े, हुर्फ के शुरू होने से पहले जो भी लगाते हैं उसको साबिक़े कहते हैं, लाइक अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रीफिक्स, जबकि लाइक़े के माने आते हैं अंग्रेज़ी में सफिक्स के, यानी लफ्ज़ के बाद जोड़ते हैं उसको। तो इसमें पहले जोड़ शुरू होने से पहले पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन टू रहा साबिक़े। आखिरी सवाल रहा दोस्तों, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वो कहलाते हैं। यानी ऐसे स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वो कहलाते हैं। ऑप्शन वन रहा खुसूसी स्पेशलाइज्ड, या फिर ऑप्शन टू मखसूस एक्सक्लूसिव, या फिर ऑप्शन थ्री मियारी स्टैंडर्ड, या फिर ऑप्शन फोर मुश्तमिल इनक्लूसिव। ऐसी स्कूल जिसमें जो है आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते, तो उसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर रहा इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आम और ख़ास बच्चों को भी पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं इंक्लूसिव। तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर रहा। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जो कि 8 क्वेश्चन से जो बकिया क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया है हमने। इसी तरह चैनल के साथ बने रहेगा, स्टे ट्यून। आपको जो भी 8 दिसंबर को एग्ज़ाम है उसके लिए प्रीवियस पेपर से रिलेटेड वीडियोस और भी प्रोवाइड करवाऊंगी ज़रूर से, और साथ ही चंद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। पहले आप टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा, चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, जाकर चेकआउट करते रहिएगा और समझिएगा, मानिए को जानिएगा। आप एक सवाल को अच्छे से समझेंगे तब आप डेफिनेटली उसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे, बस आपको टर्मिनोलॉजी समझना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले